ऐसा है सोनम कपूर की शादी का कार्ड, 3 दिन में 3 जगह होंगी रस्में। सोनम कपूर की शादी की घोषणा आधिकारिक रूप से हो चुकी है। 8 मई को होने जा रही सोनम की शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी उनके माता पिता और भाई बहन पर है। सोनम की शादी पर मेहमानों को सादगी भरे अंदाज के साथ इको फ्रेंडली कार्ड भेजकर निमंत्रण भेजा गया है। कार्ड की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये कार्ड नेचुरल ग्रीन कलर का है। कार्ड में नेचुरल कलर का प्रयोग किया गया है। शादी के समारोह को 3 हिस्से में बांटा गया है। पहले दिन 7 मई को शाम 4 बजे सोनम कपूर और आनंद की मेहंदी की रस्म होगी। इस फंक्शन के लिए ड्रेस कोड भी तय किया गया है, जो इंडियन फेस्टिव व्हाइट शेड में रखा गया है। मेहंदी की रस्म का वेन्यू सनाटेक सिग्नेचर आइसलैंड BKS रखा गया है। दूसरे दिन 8 मई को सुबह 11 बजे से रात 12 तक का प्रोग्राम रखा जाएगा। शादी का वेन्यू रॉकलैंड 226 बैंड स्टैंड बांद्रा है। शादी पर आने वाले मेहमानों को इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस कोड में आना होगा। तीसरे दिन 9 मई को ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी की गई है। रात 8 बजे यह प्रोग्राम शुरू होगा। इस इवेंट के लिए वेन्यू दलीला मुंबई रखा गया है। रिसेप्शन पार्टी में आने वाले मेहमानों के लिए ड्रेस कोड इंडियन और वेस्टर्न फॉर्मल रखा गया है। शादी की तैयारियों को लेकर पूरा कपूर परिवार काफी एक्साइटेड है। सोनम चाहे अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर व्यस्त नजर आ रही हैं, लेकिन उनके दूल्हे राजा इस शादी को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। आनंद आहूजा लगातार सोनम कपूर की एयरपोर्ट क्लिक से लेकर रूटीन तस्वीरें शेयर करते नजर आ रहे हैं। सोनम कपूर को दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए इंडस्ट्री फैंस काफी उत्साहित हैं। सोनम ने हाल ही में ब्राइड्स टुडे को दिए इंटरव्यू में अपनी शादी के मौके पर लुक की चॉइस को शेयर किया था। सोनम ने कहा था कि वह एक कंफर्टेबल ब्राइडल लुक में नजर आना चाहती हैं।